हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम लोग मैथमेटिक्स वन में कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर तेरह करेंगे और हम लोग जो लेक्चर नंबर बारह में पढ़े थे डी मोवियर थ्योरम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके ऊपर आज क्वेश्चन बनाएंगे हाँ वो अलग बात है कि हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और बना चुके हैं पिछले बार में आज हम लोग टाइप टू क्वेश्चन बनाएंगे सही है अच्छा खास बात क्या है डी मोवियर की डी मोवियर बोलता है कि मान लेते हैं कि एन कोई भी एक नंबर है रियल नंबर तो भाई मेरे कॉस्टा प्लस आई साइन थीटा होल्ड टू दावर एन हो तो हम लोग उसको कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लिख सकते हैं याद रहे दोस्त अगर तुमको डी मोवियर थ्योरम लगाना है तो रियल पार्ट कॉस के फॉर्म में होना चाहिए इमेजनरी पार्ट साइन के फॉर्म में होना चाहिए और जो इमेजनरी पार्ट का जो साइन है वह प्लस होना चाहिए बोलो क्लियर है आज यही क्वेश्चन एक मेरे पास है बोला है कि इसमें आपको डी मोवियर थ्योरम लगाना है अच्छा तो भाई डी मोवियर थ्योरम लगाना है ये नहीं बोल रहा है वो वो यह बात बोल रहा है कि इतना बराबर इतना होता है वह तुम प्रूफ करो हम बोले देखो मेरे लिए प्रूफ करना कोई बड़ा बात नहीं है हम चाहें तो इसको प्रूफ कर देंगे लेकिन भाई मेरे सबसे पहले हम देखेंगे कि डी मोवियर लगेगा कि नहीं लगेगा तो लगेगा कि नहीं लगेगा है? हमको नहीं मालूम लेकिन एक बात कंफर्म है कि पिछले बार भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि पर एट थीटा एट थीटा ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है तो जब भी याद है जब एंगल जब भी मल्टीपल में हो जाए मतलब कि एट थीटा थीटा, फोर थीटा 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 इस फॉर्म में हो जाए तो हमेशा समझ जाना कि डी मोवियर ही लगेगा दूसरा कोई तुम्हारे पास उपाय नहीं है ठीक है अच्छा तो भाई मेरे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं सुनना कोश थीटा प्लस आई साइन थीटा होल्ड टू दावर फोर बटा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा होल्ड टू दावर फोर कितने जन को यह बात क्लियर हो गया कि हम लोग ऊपर वाले में डी मोवियर लगा सकते हैं लेकिन नीचे वाले में हम लोग डी मोवियर थ्योरम नहीं लगा सकते ऊपर वाले में इसलिए लगा सकते हैं कि रियल पार्ट कॉस है और इमेजनरी पार्ट साइन है और बीच में इमेजनरी पार्ट का साइन प्लस है उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें नीचे वाले में तो लोअर पार्ट जो है वह साइन है 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 ना उसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट और जो कि पॉसिबल ही नहीं भाई मेरे अगर तुमको लगाना होता है डिमोवियर तो हमेशा अपने को याद रखना है कि रियल पार्ट होना चाहिए कॉस और इमेजनरी पार्ट होना चाहिए साइन तो अब भाई ऊपर वाले में लगा सकते हैं हम लोग तो ऊपर वाले में लगा देते इसमें क्या खास बात है सुनना कॉस फोर थीटा प्लस आई साइन फोर थीटा बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है अच्छा अगर पिछले वीडियो को तुम लोग ध्यान से देखो तो हमने बताया था कि अगर कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए कि रियल पार्ट साइन हो जाए और इमेजनरी पार्ट कॉस हो जाए तो साइन को कॉस में बदल दो और कॉस को साइन में बदल दो बदलने के लिए तरीका भी बताया था कि साइन को कॉस में बदलने के लिए अगर साइन लिखा होगा तो तुम कॉस नाइन्टी माइनस थीटा लिख के निकल जाना तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देखना कॉस 90 माइनस थीटा प्लस आई साइन 90 माइनस थीटा बोलो क्लियर है और उसका पावर फोर अच्छा अब देखो रियल पार्ट कॉस के फॉर्म में दिख रहा है इमेजनरी पार्ट साइन के फॉर्म में दिख रहा है और बीच में साइन प्लस का दिख रहा है तो हम लोग तैयार है तो सुनना ऊपर वाले को अपन लोग क्या लिख सकते हैं देखना cos थीटा प्लस आई सॉरी कॉस फोर थीटा है ना कॉस फोर थीटा प्लस आई साइन फोर थीटा बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से नीचे वाले पार्ट को देखते हैं सुनना क्या लिख सकते हैं कॉस फोर इन टू पाई बाई टू माइनस थीटा बोलो क्लियर है अच्छा और अगला सुनना प्लस आई साइन फोर पाई बाई टू माइनस थीटा बोलो क्लियर है इसमें कोई कष्ट वाली बात अच्छा अब देखो तो इसको लिख सकते हैं कॉस फोर i साइन फोर थीटा बटा फो में सुनना क्या चार हम लोग दोनों से गुना कर दे तो इसको लिख सकते हैं पाई टू, थीटा, अच्छा प्लस आई साइन फोर पाई बाई टू माइनस फोर थीटा बोलो क्लियर एकदम अच्छे से अच्छा अब देखो तो फोर थीटा आई साइन फोर थीटा नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं सुनना कॉस टू पाई माइनस फोर थीटा प्लस आई साइन टू पाई माइनस फोर थीटा बोलो क्लियर है अच्छा याद करना दोस्त कुछ कुछ याद होगा तो कि भाई कॉस तीन सौ साठ माइनस थीटा थीटा होता है और साइन तीन सौ साठ माइनस थीटा माइनस साइन है बोलो क्लियर एकदम यहां तक इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से अब आगे वहां पर सॉल्व करते हैं ठीक है थीके? अब देखो तो इसको हम लिख सकते हैं अच्छे से देखना कॉस फोर थीटा अच्छा एक बार एक बार के लिए समझ लो एक बार के लिए सिर्फ थोड़ा देर के लिए कॉस्ट थीटा प्लस आई साइन थीटा होल्ड टू पावर फोर ये ऊपर ये वाला है अच्छा कितने जन को ये बात समझ में आ गया कि कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा बोलो क्लियर है क्या इतने जन को ये बात समझ में आ गया है कि ये माइनस फोर थीटा है और ये भी माइनस फोर थीटा है याद करना दोस्त कॉस माइनस फोर थीटा कॉस थीटा और साइन माइनस फोर थीटा माइनस साइन थीटा याद है हमने पिछले राउंड ऐसा क्वेश्चन करा है अच्छा अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस् थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर फोर और इसको लिख सकते हैं कॉश थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर माइनस फोर क्या बेस दोनों का सेम है तो ये ऊपर जाएगा तो जुट जाएगा तो क्या पूरा का पूरा कहानी कॉस्ट थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर एट में लिखा जाएगा क्योंकि माइनस चार ऊपर जाएगा तो प्लस चार हो जाएगा तो चार और चार जुट के आठ हो जाएगा अब पूरे कहानी को सुनना कोस एट थीटा प्लस आई साइन एट ठीटा बोलो क्लियर है क्या यही प्रूफ करना था हमको क्या हमने इसको आसानी से प्रूफ कर दिया बोलो क्लियर है तो थोड़ा बहुत हमको टिक्नोमेट्री का मदद लेना है और उसमें कुछ खास बात नहीं है बोलो एकदम लॉजिकली क्लियर है एकदम अच्छे से कोई कष्ट इसमें नहीं होना चाहिए बोलो सिंपल एकदम सवाल एक सवाल और करते इसी के बेसिस पे है ना ये मेरे नजर में इस बार के लिए वीवीआई क्वेश्चन है मेरे नज़र में है ना क्वेश्चन है प्रूफ दैट पीटी का मतलब प्रूफ दैट तुमने लिख लो प्रूफ दैट इतना इज इक्वल टू इतना है ना अच्छा कितने लोग ये बात समझने को तैयार हो गए हैं और कितने लोग ये बात मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमको डी मोवियर थ्योरम लगाना है क्यों क्योंकि तुमको साफ नजर आ रहा है कि यहां पर एन थीटा और एन थीटा लिखा हुआ है तो जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि डी मोवियर थ्योरम लगेगा है ना हम एक बार सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ खास बात इसमें करते चलते हैं सुनना वन प्लस थीटा प्लस आई साइन थीटा बटा में वन प्लस थीटा माइनस आई साइन थीटा बोलो क्लियर एकदम अच्छे से ये है ब्रैकेट में ये है ब्रैकेट में और होल टू पावर क्या है इन है बोलो कोई कष्ट वाली बात नहीं है अच्छा हम डी मोवियर थ्योरम लगा सकते थे इसमें लेकिन डी मोवियर को लगाने का कुछ रूल्स है क्या रूल्स है नंबर वन रूल्स ये है कि भाई जो रियल पार्ट होगा उसमें सिर्फ कॉस होना चाहिए लेकिन यहां पर रियल पार्ट में वन प्लस कॉस है अच्छा और इमेजनरी पार्ट में सिर्फ साइन होना चाहिए तो इमेजनरी पार्ट साइन तो है बोलो है मैं एक बार फिर से थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करता हूं ठीक है एक बार थोड़ा सा और दिखाने की हम कोशिश करते हैं उससे तो समझो कि क्या कहानी है चलो है ना देखते हैं सुनना एकदम है अच्छे से कितने जन को यह बात समझ में आ रहा है कि एक बार देख लो रिवाइज करने के लिए कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू तो दावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा यही फॉर्मूला है साइन एन थीटा बोलो क्लियर है अच्छा इसका मतलब इमेजनरी पार्ट साइन होना चाहिए रियल पार्ट कॉस होना चाहिए बीच में प्लस होना चाहिए ये बोलता है वाला पार्ट, वाला पार्ट, बोलता है है ऊपर ऊपर वाला वाला पार्ट पार्ट कि हम इमेजनरी साइन हैं लेकिन जो मेरा बहाई है रियल वह कॉस में नहीं है वह तो वन प्लस कॉस को लेकर घूम रहा है तो हम बोले चलो कोई बात नहीं है तो एक बात याद रखना कि तुमको बहुत दिन पहले एक फॉर्मूला बताए थे याद होगा वन प्लस कॉस टू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा याद है वन प्लस कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा कहानी पूरा अच्छे से सुनना जो एंगल यहां पर होगा उसका आधा यहां पर होगा बोलो क्लियर है इसका मतलब अगर हम वन प्लस कॉस थीटा को लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टू थीटा बाई टू अच्छा अब सुनना इस पूरे जगह पे हम लोग कॉस को तो लेके आ गए हमको चाहिए भी था कॉस अरे कॉस आया वो तो अलग बात है उससे हमको मतलब नहीं है लेकिन कॉस तो आ गया है लेकिन एक खास बात है कि जो एंगल ये होता है वही एंगल तो ये भी होना चाहिए तो अब ई वाला एंगल हो गया थीटा बाई टू तो ई एंगल कैसे हो सकता है थीटा इसका मतलब इसको भी हमको थीटा बाई टू में चेंज करना होगा तो भाई दे याद है कि साइन टू थीटा को हम लोग लिखते थे टू साइन थीटा कॉस थीटा मतलब कि जो एंगल यहां पर है उसका आधा यहां पर होगा तो यहां पर एंगल है थीटा तो इसको लिख सकते हैं आई इंटू टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू बोलो क्लियर है बोलो क्लियर है तो क्या वही कहानी हम एक बार नीचे भी कह देते हैं फिर से अरे जो ऊपर में कहानी कहे हैं वही कहानी नीचे भी वन प्लस को क्या लिख सकते हैं टू कॉस स्क्टा बाई टू और माइनस आई इंटू टू साइन cos थीटा बाई टू और होल टू पावर एन बोलो क्लियर एकदम अच्छा और सुनना अच्छे सुनना कितने जन को यह बात समझ में आ रहा है अच्छे से देख के बोलना कितने जन को यह बात समझ में आ रहा है कि टू कॉमन गया यहां से यहां से और यहां से और यहां से मतलब कि जब बाहर निकलेगा तो टू का पावर एन बन के निकलेगा तो ऊपर भी बेल के निकलेगा और नीचे भी बन के निकलेगा तो वो लोग दोनों तो कट जाएंगे अरे भाई इसमें सुनो ना एन इन, एन को छोड़ो ना इनको तो भी मतलब ही नहीं है अगर टू यहां से कॉमन लोगे और यहां से कॉमन लोगे तो आपस में यहीं पे कट जाएंगे अच्छा ऊपर से कॉस कॉमन ले लो लोगे और नीचे से भी कॉस कॉमन ले लोगे तो कॉस कॉस भी कट जाएंगे मतलब कॉस्ट थीटा बाई टू तो सिर्फ बच क्या जाएगा सो सुनना ऊपर में ऊपर में बच जाएगा कॉस् थीटा बाई टू प्लस आई साइन थीटा बाई टू बच गया अच्छा बट्टा में सुनना यहां पर बच जाएगा कॉस्ट थीटा बाई टू माइनस आई साइन थीटा बाई टू और होल टू पावर एन बोलो क्लियर एकदम यहां तक कोई दिक्कत अच्छे से देख के बोलो क्या कोई भी दिक्कत है अब थोड़ा सा ना थोड़ा सा अगर बुद्धि है ना तो दिमाग लगाना थोड़ा सा हम पूरा बुद्धि नहीं लगाने बोल रहा एकदम थोड़ा सा क्या है वो बुद्धि सो समझना एकदम अच्छे से अच्छे समझना कि क्या कभी भी तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात कभी ऐसा नोटिस किए हो है ना ऊपर का, का काम हो गया है ना कभी नोटिस किए हो ऐसा क्या कि e टू द पावर i थीटा को लिखते थे cos थीटा i sin थीटा पहली बार यूज़ कर रहे हैं इसका हम पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं एकदम अच्छे से देख के बोलना है ना इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए किसी को बोलो एकदम क्लियर है लेकिन नहीं छोड़ हटाओ हम उधर नहीं जाएंगे हम उधर नहीं जाते हम यहीं पे आते हम यहीं पे आते उधर नहीं जाना चाहते ठीक है एकदम नहीं जाना चाहते अच्छा सुनना अच्छा एक स्टेप थोड़ा सा मेरी तरफ से कॉस थीटा बाई टू को लिख सकते हैं ऐसा कॉस वन बाई टू इंटू थीटा प्लस आई साइन वन बाई टू इंटू थीटा टू दी पावर एन पट्टा में सुनना कॉस सुनना माइनस वन बाई टू थीटा प्लस आई साइन माइनस वन बाई टू थीटा अब ना मत बोलना कि सर ये कहां से आ गया क्योंकि ये चीज हम बहुत बार समझा चुके हैं कि जब यहां पर माइनस हो और जब प्लस करना हो तो चुपचाप से ना साइन को माइनस कर दो मतलब कि एंगल अंदर में माइनस तो जाएगा बोलो क्लियर हो जाए अच्छा आप सुनना इसको हम लिख सकते हैं कॉस्ट थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दावर एन बाई टू क्योंकि पक्का ये पावर थीटा so, में वन बाई टू गुना हुआ है इसका मतलब पक्का वन बाई टू पावर में रहा होगा तो पावर में पहले से एन है और एन बाई टू और जाके गुना हो गया वन बाई टू और जाके गुना हो गया तो आंसर एन बाई टू हो गया अच्छा तो उस हिसाब से नीचे वाले को क्या लिख सकते सुनना कोश थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दावर माइनस एन बाई टू लिख सकते कि नहीं लिख सकते फाइनल टच दे रहे हैं क्या बेस सेम तो पावर ऊपर जाके जुट जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल्ड टू पावर एन बाई टू प्लस एन बाई टू इसका मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल्ड टू द पावर एन बाई टू प्लस एन बाई टू मतलब कि एन और इसको लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा और यही हमको प्रूफ करना है बोलो क्लियर है देख लो अच्छे से कहीं भी कोई कष्ट नहीं होगा है ना थोड़ा सा इधर सा छोटा लिखा हुआ होगा है ना क्योंकि स्पेस कम है लेकिन हम बोल दे रहे हैं यहां से है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो एन, टू और एन, टू प्लस हो, तो एन हो जाएगा तो पूरा कहानी लिखा जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू तो पावर एन अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा और यही अपने बोलो क्लियर एकदम अच्छे से चलो फिर एक और क्वेश्चन करके देखते हैं है ना एक और क्वेश्चन करके देखते हैं चले एक और क्वेश्चन करते हैं क्या बोला कि यूजिंग डी मोवियर थ्यूरम प्रूव दैट डी मोवियर थ्यूरम यूज करना है और प्रूव करना है कि वन प्लस आई होल्ड टू द पावर एट प्लस वन माइनस आई होल्ड टू द पावर एट इज इक्वल टू बत्तीस ठीक है है ना अच्छा अगर बाहर से कुछ भी थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है तो उसको आज इग्नोर करेंगे है ना तो बात समझ में आना चाहिए सिर्फ आज के लिए ठीक है।, है चले सुनेंगे बोलता वन प्लस आई होल टू दावर एट वन माइनस आई होल टू दावर एट बोलता है कि ये बराबर बत्तीस है प्रूफ करो क्या करो प्रूफ करो है ना लेकिन प्रूफ करना है डी मोइवर थ्योरम के थ्रू अच्छा तो अगर मेरे को डी मोइवर थ्योरम के थ्रू प्रूफ करना है इसका मतलब हमको इसमें डी मोइवर थ्योरम लगाना है अच्छा तो डी मोविय थ्योरम तो, उसी समय लगता है जब सवाल कॉस थीटा प्लस आई साइन एन ठीटा सॉरी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर एन होगा मतलब कि सीधा सीधा बात है कि कॉस थीटा और साइन थीटा हमको दिखेगा तो ही हम लोग डी मोविय लगा सकते हैं लेकिन यहां पर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ये कैसा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन यह कार्टिसियन फॉर्म में है अगर तुमको कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए तो तुम सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम अगर पोलर फॉर्म में लिख दो तो कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम किसके फॉर्म में लिख दो पोलर फॉर्म में लिख दो तो आ जाएगा सवाल बोलो क्लियर एकदम अच्छे से अब सुनना तो अब कैसे लिखे हम अच्छा ऐसा लिख सकते सुनना डायरेक्ट लिखते है ना अब डी मोवियर है इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि अपने को पता है कि कहानी क्या है मन ही मन में सोचो कि वन प्लस आई लिखना है तो वन प्लस आई को पोलर फॉर्म में लिखना है तो बोलो मेरे लिए कॉम्प्लेक्स मन में सोच रहे है ना मन में सोच रहे हैं और लिख रहे हैं यहाँ पर है ना वन प्लस आई है तो इसका जो मोड हो गया मतलब कि जो आर हो गया वह वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मतलब रूट टू हो गया अच्छा एक्स भी वन है और वाई भी वन है मतलब कि क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट मतलब कि थीटा का वैल्यू हो गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स मतलब वन बाई वन मतलब पाई बाई फोर तो इसको लिखते हैं ना इसको कैसे लिखेंगे सो सुनना पोलर फॉर्म में डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते क्वेश्चन लिखने के बाद ही कोई तामझाम नहीं रूट टू कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर होल्ड टू एन का मतलब एट नहीं समझ में आया इसको पोलर फॉर्म में लिख दिए और दिए क्योंकि आवाज देना बोलो तो थीटा आ गया, थीटा आ गया। अब हम लोग लगा सकते अब सुनना। इसको भी पोलर फॉर्म में लिखते सुनना तो सुनना वन माइनस आई है तो भाई इसका भी मॉडुलस होगा रूट वन का स्क्वायर और सॉरी वन का स्क्वायर और वन का स्क्वायर मतलब रूट टू चलो रूट टू इसका आर आ गया अब बच गया कॉस्टीटा प्लस साइन थीटा अच्छा थीटा आप चेक करते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों क्योंकि एक्स का वैल्यू प्लस है और वाई का वैल्यू माइनस है तो कितने जन को याद है कि थीटा को लिख सकते माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स अरे माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स मतलब वन वन याद है ना हमेशा मोड में लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस वाई बाई फोर तो मतलब इसके लिए लिख सकते हो सुनना हो गया इधर मन में लिख लो पहले साइड में क्योंकि अब तो हम इतना तो नहीं हो सकता है अब हम लोग से कि फिर से दोबारा हम लोग पोलर फॉर्म लिखना सीखे और आर्गुमेंट निकालना सीखे तो क्या लिख सकते हैं कॉस माइनस पाई बाई फोर प्लस आई साइन माइनस पाई बाई फोर और होल टू पावर एट बोलो क्लियर है अब सुनना है। यहां भी रूट टू होल्ड अच्छा छोटा सुनना रूट टू का पावर एट अरे होल का पावर है तो इसका भी पावर होगा अच्छा और इसमें लगा सकते हैं डीमोवियर अरे इसमें तो लगा ही सकते हैं डीमोवियर ये सुनना नहीं समझ में आया अरे भाई इसका भी पावर आठ और इसका भी पावर आठ क्योंकि होल का पावर आठ है तो इसका पावर आठ ये हो गया इसका पावर आठ सुनना बोल रहे कॉस एट इंटू पाइव बाई फोर प्लस आई साइन एट इंटू पाई बाई फोर लग गया अब उसका लगाते हैं रूट टू होल टू पावर एट अच्छा इसमें सुनते हैं कॉस माइनस एट पाई बाई फोर प्लस आई साइन माइनस एट पाई बाई फोर एकदम यहां पर अब देख लेना यहां पर देखना अच्छे से यहां पर देख लेना अच्छे से आगे बढ़ते हैं तो यहां भी टू टू दावर एट यहां भी रूट टू टू दावर एट तो रूट टू टू दावर एट कितना हो गया तो चार हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो दोनों में से चार गया कॉमन है ना अब सुनना इसको लिख सकते हैं cos टू थीटा थी मतलब कि टू पाई प्लस आई अच्छा ये टू पावर फोर ये सोलह हो जाएगा ना दोस्त रूट टू टू पावर एट है मतलब रूट टू रूट टू दो फिर रूट टू रूट टू चार फिर रूट टू रूट टू आठ और फिर रूट टू सोलह है ना तो सोलह हो जाएगा ना सोलह अच्छा ये कॉस टू पाई ये आई साइन टू पाई अच्छा प्लस आगे बढ़ो सुनना कॉस माइनस टू पाई कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस टू पाई अच्छा साइन माइनस टू पाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस टू पाई बोलो क्लियर है अब चेक करते हैं ये कितना है सोलह देखो अब ये आई है ना आई छूट गया ये तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा अच्छा कॉस टू पाई का मान होता है वन तो ये भी होगा वन तो टोटल हो गया सिक्सटीन इंटू टू मतलब कि बत्तीस लग गया डी मोवियर थोरम बोलो क्लियर है डी मोवियर थ्यूरम कहां पर लगाए हैं सिर्फ यहां पर थोड़ा सा उसका झलक दिए हैं और कुछ भी नहीं है सिर्फ थोड़ा सा झलक दिया गया है बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से बोले तुम लॉजिक क्लियर है बहुत सिंपल बात है अच्छा इसको तुम चाहो तो काटोगे भी नहीं तो भी ये जीरो होगा क्योंकि साइन टू पाई जीरो होता है हमेशा सही है कॉस टू पाई वन होता है बोलो क्लियर है सिंपल बात था हमने सॉल्व करा ठीक है चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को दे दे रहे हैं खुद से करना ठीक है चलो क्वेश्चन लिख लो चले सवाल लिखें, क्या है पहला सवाल है आपको प्रूफ करना है क्या कि वन प्लस साइन फाइव प्लस आई कॉस फाइव बटा वन प्लस साइन फाइव माइनस आई कॉस फाइव टू एन बराबर होगा

एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ऐसे कोई नंबर होगा एन ठीक है ये जो प्रूफ करना है वह प्रूफ करना है डी मोवर्स थ्योरम से बोलो कहीं कंडीशन दे दिया डी मोवियर थ्योरम से ही प्रूफ करना है चलो ठीक है